बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से विवाद को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार सुर्खियों में हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कंगना रनौत को अपशब्द कह दिया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। इस बीच उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी चुटकी ली है। संजय राउत ने ट्वीट किया, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। संजय राउत के ट्वीट से यह जाहिर तो नहीं है कि वह किसके लिए यह कह रहे हैं, लेकिन अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है कि ताजा हालात को लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं संजय राउत के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस पर तंज कसा है। संबित पात्रा ने राउत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ और धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दावा किया था कि वह इस इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन को लेकर कई खुलासे कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, यानी कि पाक ओरिएंटेड कश्मीर से कर दी। इसके बाद से ही संजय राउत और उनके बीच जमकर बहसबाजी हुई।